यार अभी ना रात का टाइम है, मैं एवरी में आया हूँ। यार ये देखो यार, तो मुझे लगता है दिखाना भी नहीं देंगे तो अब यार इसका चूहे ने हाल क्या करती है। तो यार इनको ना मैंने अभी ताज़ा पानी डाला है और जो है ना मेरी नज़र पड़ी है इस वाली बास्केट पे। तो यार बड़े ही दिन बाद जो है ना गुड न्यूज़ आई है मेरे ख्याल से ना किसी ने अपने अंडे दिए हैं। तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं कितने अंडे हैं। तो यार मैं आ गया हूँ अपनी एवरी में, और जो है ना रात को मैंने अपने नेचर चिकन भी एवरी में ही शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि यार रात को ना वहाँ पे जो लोहे वाला केज है वो ठंड हो गई थी और वो ज़रा बड़ी जगह है, और ये जो है दो छोटे छोटे से तो इनके लिए सही नहीं थी, इसलिए जो है ना रात को मैंने इनको बंद कर दिया था। अब ना फटाफट से अपनी डक के पास जाते हैं। ये हिल क्यों नहीं रही, मैं अंदर आया हूँ। ओ यार शिट, ऐसे यार मरी पड़ी है, ये कैसे मर गई। मैंने ना चेक किया इसको, क्योंकि मुझे पता है ये सारी डव्स जो है ना बिल्कुल एक्टिव हैं, और पता है ये किस वजह से मरी है। इसके पर देखें, इसके पर जो हैं वो खाए हुए हैं चूहों ने। और यार हमारे इधर के चूहे इतने कोई गंदे और बदतमीज हैं, आप पहले ये ना वीडियो देखें। यार अभी ना रात का टाइम है, मैं एवरी में आया हूँ। यार ये देखो यार, तो मुझे लगता है दिखाना भी नहीं देंगे तो अब यार इसका चूहों ने हाल क्या कर दिया। तो यार आपने देख लिया कैसे जो था ना उन डव्स के उन्होंने सारी ना खाए हुए थे, और जो बाकी उनका जिस्म था ना वो यहीं पड़ा हुआ था। तो इस डव के साथ भी कुछ देर में ऐसा हो जाना था। देखो इसके पास जो है ना इन्होंने खाए हुए सारे, और ये बिल्कुल ठीक थी। तो आज जो है ना ये एवरी का तो हमें बिल्कुल भी जो है ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऊपर से जो है ना नुकसान हुआ, और यहाँ पर जो है ना चूहे एंटर हो जाते हैं। हालाँकि आप देखें पूरी जगह जो है ना ये सील पैक है, मतलब कि इधर से कुछ भी नहीं आ सकता, पता नहीं ऊपर ना वो कहाँ से आते हैं। और पता है ये हमारे सेटअप से चूहे नहीं आए, चूहे आए जो हमारे साथ सेटअप है ना वहाँ से चूहे आते हैं, और ये देखो ये नुकसान करते हैं। तो यार मैं तो अभी ना एवरी से बाहर आ गया उस डव को लेके। तो यार ये डव बिल्कुल एक्टिव थी, तो उन्होंने इसके पर काट के पता नहीं इसको कैसे ये मरी है, आई डोंट नो। पर जो वो डव थी ना, वो आपको याद होगा मैंने उनको नीचे शिफ्ट किया था ताकि वो जो है ना ठीक हो जाए, वो बीमार थी। फिर दो तीन दिन बाद वो ठीक होने शुरू हुई, तो मैंने उनको वापसी छोड़ दी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर हीट बल्ब लगा दिया था। पर और उन्हीं दोनों डव्स के साथ जो है ना उन चूहों ने किया, उसके सर जो थे ना उड़ा दिए। मैं तो अंदर खुश होकर गया था कि गुड न्यूज़ आई है इतने महीनों बाद। पता है हमारी डव्स हफ्ते दो हफ्ते बाद अंडे या बच्चे निकाले होते थे उन्होंने इस केज में, पर जो है ना एवरी में जाके इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यार अपनी डव को मैं दफना के आ गया, और मैंने सोचा कि ना ये जो केज है ना इसको हम दोबारा से सिंगल पर्सन करते हैं, और जो ये पिजन्स है ना उसको कर देते हैं उधर शिफ्ट, और जो डव्स है ना वो दोबारा से कर देते हैं इधर शिफ्ट। पर ना अगर वो डव्स के अंडे खा सकते हैं ना चूहे, तो वो खा सकते हैं इनके भी अंडे। तो मुझे ना फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो यार हमारी डव्स ना बस आज गुजारा कर लें, क्योंकि देखो यार सूरज किधर आ गया है, क्योंकि शाम होने वाली है। तो ना डव्स बस आज गुजारा कर लें, हम ना कोई ऐसा इंतज़ाम करेंगे जिससे हमारे डव्स भी सेफ़ रहें और जो हमारे सारे पिजन्स हैं ना वो भी सेफ रहें। तो यार ये रहे मेरे सारे परिंदे। तो यार मैंने वैसे सुबह तो इनका हल कर देना, पर यार ये मैंने एक ट्रैप बनाया यूट्यूब से देख के, तो कुछ ऐसा है। अब पता नहीं इसमें कोई जो है ना माउस ट्रैप होता भी है कि नहीं, और मुझे जगह भी पता चल गई इस जगह से जो है ना वो आते हैं। मैंने यहाँ भी थोड़ी सी गंदम रख दी है, और यहाँ पर भी जो है ना सारा बाजरा और गंदम रख दी है। तो सुबह देखेंगे इसमें कुछ आता है कि नहीं आता। सुबह हो चुकी है, और सुबह सुबह जो है ना मैं अपनी एवरी के अंदर आ गया हूँ। यार ये जो ना है जो छोटे डोन है ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं, इनको जो है ना मुझे बाहर ही शिफ्ट करना पड़ना है। रात को तो करते ही करेंगे, दिन को उधर। और यार जो रात को हमने ट्रैप लगाया था ना वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और हर चीज़ गायब है। अब मुझे समझ नहीं लग रही वो लोग खा के चले गए हैं या इन सब ने जो है ना खा लिया। तो इधर ना इसमें कैरेट्स भी थी, और ना बड़े दिन क्या क्या मैंने डाल दिया था, और अंदर वाला देखते हैं पहले। हाँ अंदर भी यार देखो कुछ नहीं है, सिर्फ बाजरा है। ये भी इन्हीं को डाल देते हैं, खा लो भाई। ये डाल दिए बाजरा भी, तो हमारा ट्रैप तो ये ना बिल्कुल, उसको मैंने पकड़ लिया, और जो इसकी पार्टनर है उसको मैंने बाहर निकाल दी। ये लोग जो है ना अंदर ज़्यादा ही बदमाशियाँ कर रहे थे, तो इनको ज़रा बाहर छोड़ते हैं। ठीक है काम, देखो ये जो है ना इनसे डर रही है, और इसको मारने तो नहीं आ रही। नहीं, मार नहीं रही। और यार इस बार काम देखो, इसको लग रहा है कि कुछ खाने को है, बार बार जो है ना ये देखो ऊपर चढ़ जाता है। भाई आपके खाने की चीज़ नहीं है, तो इसको भी ना यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलो खेलो खेलो खेलो, लड़ना मत प्लीज़ आपस में। यार ये दोनों जो है ना उस बेचारे को मार रहे हो, देखो नीचे छुप गया जाके। तुम जरा थोड़ी देर बांधो, उसका भी सेटअप है, उसको भी घूमने दो। चलो ये हमारा जो है ना लॉकअप केज है, तो इसी में इसको जो है ना हम कर देते हैं बंद। अब अंदर ही रहोगे क्योंकि काम देखो लड़ रहे हैं। प्लीज़ यार मत लड़भागे यार। चलो भाई आपने आपने इनके आओ तो मर जाना है, ये पूरी गैंग है इनकी, आप अकेले हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ थोड़ी देर मिट्टी में रहो यार तुम। चलो यहाँ मिट्टी में खेलो।
मुझे लगता है ये जो है ना यहीं पर आ रहा है बार बार, इसको ये केज पसंद आ गया है, इसी में तुम्हें बंद करते हैं। बताओ, पर यार ये बड़े मुल्कों के लिए बना हुआ है, ये इसमें रह ही नहीं सकते, इन्होंने बाहर आ जाना है, इन्हीं जगहों से ये लोग तो बाहर आ जाएंगे। तो यार आज भी जो है ना 3 बज गए हैं और कोई समझ नहीं लगी, क्योंकि यार इसको मैं कर तो सकता हूँ। मैंने पता क्या सोचा है, मैंने मामू को बताया तो उन्होंने कहा कि ये वाला जो केज है अंदर रख दो एवरी के अंदर, मतलब कि क्योंकि इसके अंदर जो है ना फिलहाल एंट्रिंग की कोई जगह नहीं है। तो यार जो पहले आते थे ना वो आते थे इस जगह से चूहे, पर जो है ना आपको इसमें जगह नहीं है एंटर होने की, तो इसी को अंदर रख के ना इसके डबल पोर्शन है, या ऊपर और डव्स रख लेना या नीचे डव्स रख लेना, और एक पोर्शन में रख लेना पिजन्स। तो जो है ना हमारी दोनों चीज़ें सेफ भी रहेंगी, और जो है ना अपने पुराने घर में आके हो सकता है दोबारा से ब्रीडिंग भी शुरू कर दें। तो यार इसलिए ना मामू के पास टाइम नहीं होता और मैं अकेला कर नहीं सकता, क्योंकि यार ये केज का जो हमें फ्रेम है वो उतारना पड़ेगा, और ये इतना ज़्यादा भारी है ना, इसको अंदर शिफ्ट करना है। उसके बाद जैसे ये नीचे बाउंड्री बाहर बनी हुई है ना, ऐसी बाउंड्री ही अंदर बनानी पड़ेगी। यार वो हमसे तो होना नहीं, वो लेबर का ही काम है, वो जब आएंगे तो वो तभी होगा। इन सबको तो मैंने खोल दिया, और जो है ना सिम्बा मेरे पास आ गया मुझसे प्यार लेने। तो सिम्बा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, जब भी मैं ऊपर आता ना ये ऐसे मेरे पास आ जाता है, फिर मैं इसको जाना से मसाज करता हूँ, ये फिर प्यार लेता। ओ क्या हो गया भाई, यार ये ना एक बारी सबसे फाइट कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि कर लें एक बारी फाइट, ताकि इनको मैं खुला छोड़ूँ ना बाद में तो ये लड़े ना। अब देखो ये इन्होंने पहले इन सबसे की है फाइट और ये अब नहीं लड़े, अब मेरे तो लास्ट वाली है वो भी भाग गई। अब जो है ना इनको कोई डर नहीं है। आजकल ये परात जो है ना सिम्बा का बर्तन बनी है ये खाने का, यार ऐसी जो है ना एक छोटी सी लाएंगे हम अपने सिम्बा के लिए भी, ताकि वो जो है ना आराम से खा ले, वरना ना इसको इस तरह चेयर पे रख के देना पड़ता है। ये देखो ये ज़्यादा गिराता भी है, पर कोई बात नहीं खाने देते हैं इसको। तर वैसे आज हमने डल्स का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देना था, पर कोई बात नहीं, वहाँ पर जो हम कोई शॉपर उड़ा देंगे जहाँ से माउस एंटर होते थे फिलहाल। पर मुझे लगता है कि वो एक जगह नहीं, काफ़ी ज़्यादा और भी जगह हैं, क्योंकि कल तो मैंने उसको वहाँ से देखा है ना आते हुए, पर मुझे लगता है और भी जगह हैं, इसलिए हमें उनका बंदोबस्त करना पड़ना है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।